भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं रितेश पांडे। जी हाँ, रितेश पांडे का हाल ही में यानी कि कल ही एक गाना रिलीज हुआ यूट्यूब पर, नाम है लॉकडाउन में लूडो। अब आपको बता दें, ये गाना एक दिन में 2.5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, जो कि किसी भी गाने के लिए इस लॉकडाउन के सिचुएशन में इतना बड़ा व्यूज़ बना पाना बहुत ही मुश्किल है। और जब कॉम्पिटिटर खेसारी लाल यादव का प्रतिद्वंदी हो, यानी कि खेसारी लाल यादव से छोटा स्टार हो, लेकिन उसके गानों की धूम भाई बहुत ज़्यादा है। लोगों का कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन और रितेश जिनके गानों में मधुरता है, वरना तो सब सिर्फ खाना पूर्ति के लिए गाना गाते हैं, लेकिन खेसारी और रितेश के लिए ये प्रतिद्वंद्विता क्यों है? एक्चुअली आपको बता दें कि कुछ महीने पहले लहंगा लखनऊआ जो गाना आया था, उस पर बहुत घमासान वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, और उस घमासान कंट्रोवर्सी में रितेश पांडे ने खेसारी लाल यादव का गाना लहंगा लखनऊआ को डिलीट करवा दिया था और लोगों से ये भी कहा कि मैं ये दुश्मनी नहीं चाहता था, मैं अपनी तरफ से खेसारी लाल यादव को अपना बड़ा भाई मानता हूँ और आगे भी मानता रहूँगा, क्योंकि वो जब भी मुझसे मिलते हैं तो बड़े भाई के तौर पर ही मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे बीच दुश्मनी ला दी और उन्हें अब ये अच्छा लग रहा है। यानी जिसे साफ पता चलता है कि खेसारी के दुश्मन के लिस्ट में अब रितेश पांडे नंबर वन है। जब रितेश पांडे की कोई चीज़ आती है और उसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसे देख कर ये साफ लगता है कि खेसारी लाल यादव के लिए रितेश पांडे कितने बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हो गए हैं। यानी कि सबसे बड़े कॉम्पिटिटर खेसारी के लिए अगर कोई है तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रितेश पांडे हैं, क्योंकि रितेश पांडे के व्यूज़ खेसारी लाल यादव के गानों के व्यूज़ को टक्कर दे रहे हैं। फिर चाहे मात्र 2 महीने में 400 मिलियन क्रॉस किया हुआ गाना हेलो कौन हो, या फिर हाल ही में रिलीज लॉकडाउन में लूडो गाना हो, जिसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वैसे इन दोनों में एक चीज़ बस कॉमन है, इस गाने की जो गायिका है अंतरा सिंह प्रियंका। जी हाँ, अंतरा सिंह प्रियंका बदस्तूर खेसारी लाल यादव के भी गानों में आवाज़ देती है नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ वो रितेश पांडे के भी गानों में आवाज़ देती नज़र आ रही हैं। आजकल अंतरा सिंह प्रियंका की डिमांड भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। पवन सिंह को छोड़ दें तो अंतरा सिंह प्रियंका के साथ भोजपुरी का लगभग हर बड़ा और छोटा सितारा काम कर चुका है और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में अंतरा सिंह प्रियंका भोजपुरी इंडस्ट्री की अनेक गायिकाओं के लिए नाक में दम करने वाली सिचुएशन पैदा कर सकती हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।